हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? काफ़ी बड़े होंगे तो आगे ही बढ़े ना। तो गाइस आज के फिर मैं आपको बताऊंगा टाइम सेट करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो 14:29 हो रहा है और गाइस टाइमिंग थोड़ा आप या नीचे है और गाइस डेट भी यहाँ पर ऊपर नीचे हो चुका है। तो गाइस आप कैसे टाइमिंग डेट को पूरा सेट कर सकते हो, कैसे आप अपने सेटअप कर सकते हो अपने फ़ोन पर? तो गाइस न्यू फोन होगा या तो आपने फ़ोन को रीसेट कर दिया या तो इधर उधर आपने सेटिंग पर जाकर कुछ कर दिया था। तो गाइस टाइम अभी उल्टा उल्टा हो रहा है। तो गाइस कैसे आप जैसे कि अपना टाइम को यहाँ पर मिला सकते हो अपने फ़ोन पर, कैसे सेट कर सकते हो वो बताऊँगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बिल्कुल तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है टाइम एंड डेट को यहाँ पर सेट करने के लिए। आपको सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो गाइस सिंपल सा क्या करना, अपना फोन का सेटिंग पर जाना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना फोन का सेटिंग पर जाता हूँ, आप भी अपना फोन का सेटिंग पर जाना। आप यहाँ से भी जा सकते हो, ऊपर भी यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाएगा, यहाँ से भी आप जा सकते हो। सेटिंग पर जाने के बाद सेटिंग ओपन हो जाएगा, सारा सेटिंग यहाँ पर आपको दिखा देगा कुछ इस तरह। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग, अबाउट सेटिंग या तो कुछ भी हो सकता है। आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है, यहाँ पर एडिशनल या तो अबाउट सेटिंग लिखा होगा, यहाँ पर मेरा एडिशनल है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आपका वहाँ पर अबाउट सेटिंग भी हो सकता है। उसके बाद कुछ इस तरह आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सबसे स्टोरेज, डेट एंड टाइम, कीबोर्ड इनपुट, चार्ज, डाउनलोड मैनेजर, आप इस ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा डेट एंड टाइम दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर कहीं पर भी डेट एंड टाइम दिखाई देगा, तो उसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह यहाँ पर आ जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पर 24 जैसे कि जो भी 24 बताए तो गाइस वो चाहिए, तो इसको ऑन रखना या तो आप ऑफ कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको ऑफ करता हूँ तो गाइस यहाँ पर अभी जैसे कि 12:13 होता है, तो गाइस 13 की जगह में 1-2 बज जाएगा। लेकिन आप इसको ऑन करते हो तो गाइस 12 के बाद यहाँ पर 13 आ जाएगी। इसको ऑन करते हो तो गाइस 13, 14, 15 से बजते जाएगा। लेकिन इसको ऑफ करते हो तो गाइस 12 के बाद 1, 2, 3, 4 होगा। तो गाइस आप ऑन ऑफ करके अपने मर्जी रख सकते हो 12 या तो 24 आवर्स। इसको ऑन करते हो तो गाइस 24 आवर्स होगा, इसको ऑफ करके रखते हो 12 आवर्स का वो घड़ी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सेट टाइम मिलेगा, तो देख सकते इसके ऊपर क्लिक करना। और गाइस यहाँ पर आपको जैसे कि देखना है डेट कितना है, तो गाइस टुडे यहाँ पर आज 5 तारीख है, तो गाइस कितना बज चुका है तो गाइस उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कितना मिनट हो चुका है तो गाइस उसको देख के यहाँ पर आपको सेट करना है। और गाइस एम पीएम, जैसे कि मॉर्निंग है तो गाइस एम करना है, और गाइस शाम है तो गाइस आप पीएम कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले टाइम को सेट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर अभी 2:14 जा चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा था, तो यहाँ पर 2:15 कर देता हूँ। और गाइस ये अभी पीएम में है, एएम नहीं, पीएम। उसके बाद आप जैसे कि यहाँ पर 24 आवर्स भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को यहाँ पर जैसे कि 12 घंटे ठीक है मेरे को। और गाइस 2:15 पीएम देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से मैं बैक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो सबसे ऊपर 2:15 यहाँ पर पीएम हो रहा है, 5 नवंबर कुछ इस तरह आ जाएगा। तो गाइस आप कुछ इस तरह डेट एंड टाइम को सेट कर सकते हो।